How to fix OnePlus camera not scanning QR code problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है OnePlus की डिवाइस में कैमरा का जो यहाँ पे QR कोड स्कैनिंग प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे आपका जो कैमरा है वो QR कोड को स्कैन नहीं कर पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, जो भी सॉल्यूशन है उसको फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कैमरा जो है QR कोड स्कैन नहीं कर पाते, आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करके ऐप्स एंड नोटिफिकेशन को ओपन करें, सी ऑल ऐप्स पर क्लिक करें और यहाँ पे कैमरा पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जाना है स्टोरेज एंड कैश, क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करके ओके करके आपको बैग आ जाना है। परमिशन चेक करें, आपके सारे परमिशन अलाउ होना चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद मेक श्योर आप नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करें। सिस्टम पर जाइए, रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करें, रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पर जाइए और रीसेट पर क्लिक करके आपको पासवर्ड भर देना है मोबाइल का। ठीक है, इससे नेटवर्क रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों QR कोड का जो प्रॉब्लम आ रहा है स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी होना बहुत ही ज़रूरी है मोबाइल पर। ठीक है, तो इंटरनेट के साथ कैमरा को फिक्स करें एंड QR कोड स्कैन करके देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। और जब QR कोड आप स्कैन करते तो अच्छे से आपको उसे जो है कैमरे के अंदर पे लेके आना होता है। ठीक है, तभी अच्छे से काम करते हैं। बाय एनी चांस अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आपको क्या करना है, पहले तो आप मोबाइल को सेफ मोड पे रिबूट करें, पावर बटन पे प्रेस एंड होल्ड कीजिए, आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अभी पावर ऑफ का जो यहाँ पे आपको स्विच दिखाई दे रहा है उसमें 2 सेकेंड क्लिक करके रखना है, ओके बटन मिल जाएगा, ओके कर देना। ओके करने के बाद सेफ मोड पे मोबाइल रिबूट। तो रिबूट करने के बाद दोस्तों आप दोबारा से चेक करके देखिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो जाइए सेटिंग, स्क्रॉल डाउन, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए। सिस्टम अपडेट पर क्लिक करें और सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देना। ठीक है, तो इतना सॉल्यूशन करने के बाद दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, साथ साथ कैमरा जो है वो QR कोड को स्कैन कर सकेगा। अगर दोस्तों मान लीजिए सारे सॉल्यूशन करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो आपको कई सारे QR कोड स्कैनर जो है वो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो आप QR कोड स्कैनर जो है प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।